बारामूला के सोपोर में मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिसमें दो जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मी शहीद हुए। हमले की चपेट में सिविलियंस भी आए हैं और दो आम नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। हमले के बारे में जानकारी देते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बताया कि जिस पुलिस की टीम पर हमला हुआ वो आरमपुरा में कोविड ड्यूटी पर तैनात थे। इस हमले में तीन और पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जबकि दो आम नागरिक भी जख्मी हुए हैं। मारे गए नागरिकों की पहचान सोपोर के मंजूर अहमद और बशीर अहमद के रूप में हुई है। शहीद हुए पुलिसकर्मी हैं बडगाम के शौकत अहमद और नरबल श्रीनगर के वसीम अहमद। जख्मी पुलिसकर्मी मुकेश कुमार और दानिश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लश्कर ए तैयबा इस हमले के पीछे है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मिलिटेंट्स की तलाश जारी है।